ये लगाया जाता है, इससे हम इसको मोटा कर सकते हैं। चल 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 चल, ए गाड़ी स्टार्ट कर। कब से ये चीज चल रही होगी? ये बहुत पुरानी चीज है, कई सदियों की चल रही है। मैंने फिर ये मैं खुद बनाई है। कई बार सारा पानी ऐसे चला जाए तो हमारा ग्राट खत्म हो जाता है, रुट जाता है। तो हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून, अभी मॉर्निंग ही हो रही है और मैं आपका होस्ट विक्की डुकर बदमाश यहाँ पे आया हुआ है गाँव में। और यहाँ पे आज आपको इतनी अच्छी चीज, एक बहुत ही पुरानी चीज दिखाना चाहता हूँ कि आज के टाइम में तो बहुत सारी मशीनें आ गई हैं आटे को वो करने के लिए, आटा बनाने के लिए, तो आटे को पीसने के लिए। और यहाँ पर एक पुराने तरीके से, पुराने जमाने में मशीनें तो होती नहीं थी, तो किस तरीके से आटा बनाया जाता था उधर जा रहे हैं। और मेरे साथ जुड़े हैं आज मेरे ताऊ, बड़े ताऊ हैं, और उनको रूबरू कराता हूँ, पहले उनसे मिला लेता हूँ। तो ये मेरे ताऊ हैं, हेलो कर दो। हेलो। तो आप अपना नाम बता दो। हमारा नाम चमेल सिंह है, गाँव ब्रेवत डिंगीदार में रहता हूँ। और ये अपनी जो चक्की है, जो देसी चक्की है हमारी, ये हमारा रास्ता है, इस रास्ते से जाता हूँ। ये बहुत कठिन रास्ता है और मैं उधर चक्की पर रात दिन रात को इस रास्ते में चलता हूँ। कभी रात में चलता हूँ, कभी दिन में चलता हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है, जब आटा पीसे आता है तो इकट्ठा हो जाता है, तो मैं आपको वहाँ पे जाके बताऊंगा। तो अभी आप रास्ते का एंजॉय करो, किस तरीके से हम जाते। तो भाई इसको कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, कूल 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 कहते हैं। ये एक पावर सोर्स है, इस सही मायने में इस चीज को बोलते हैं क्राट, जो अभी आपको आगे जाके दिखाऊंगा। तो ये कूल है, इधर से पानी जाता है। ये एक मतलब कि डैम की तरह ही है, कि डैम में जैसे टरबाइन घूमती है वैसे ही यहाँ पे सिस्टम। मुझे बहुत टाइम से पहले का सिस्टम है, तो वो देख सकते हैं वहाँ पे एक रुकावट लगाई है ताकि कोई गंद ना आए, और इधर भी एक लगाई है ताकि जो वहाँ से निकल जाए वो यहाँ फंस जाए, आगे को गंद ना जाए। तो अब चलते हैं हम नीचे को। भाई 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 भाई, राम राम। जो लकड़ी से लगाई जाती है उससे पानी जाता है अंदर। अच्छा, किस लिए लगाते हैं लकड़ी? जो लकड़ी लगाते हैं, जो लकड़ी का जो होते है ना नहर, इसमें पानी आता है। हाँ। और इसके अंदर जो नीचे चक्की लगाई है वो ऊपर ऊपर चक्की है, नीचे है वह ऐसा ही गरड़ लगाया है। गरड़ से जो पानी बच कर ऊपर चक्की चलती है और आटा पीसा जाता है। अच्छा, वो दिखाई दे, दिखाई ऊपर चक्की चलती है, नीचे बेबी सोती है। तो ये रास्ता भी यहाँ से हम पहुंच गए हैं, जिसको हम देसी भाषा में कराट ही बोलते हैं। और ये देखो यहाँ पे पानी इतना साफ मिलेगा दोस्तों आपको यहाँ पे की पूछने वाली बात। ऐसे दरवाजे, तो ये लॉक है, ये दरवाजा है, और मैं अगर आपको दिखाऊं पूरा तो इतना सा है, और ये निकल पानी निकलने का सोर्स है। बाकी यहाँ से पानी आता है, अंदर जाके देखते हैं। तो भाई यहाँ पे आ चुके हैं अंदर, ये आटा इकट्ठा करके रखा हुआ है। ये देखो चक्की, आपको कैमरे में दूर दिख रही होगी, ये है चक्की। यार आप इसके बारे में बताओ, ये क्या क्या चीज है ऊपर और नीचे? ये जो इसके ऊपर से मैंने दिखाया है, जो लकड़ी की नाल होती है, इसको हम नाल देते हैं, नाल से पानी आता है नीचे, इसके नीचे पानी है, नीचे ऐसा एक गरड़ लगाया होता है, लकड़ी का गरड़ होता है। उस लकड़ी के गरड़ से ऊपर को भी लकड़ी लगाई जाती है, ऊपर थोड़ा सा लोहे का होता है, कील और कोली कहते हैं हम, वो इसमें टाइट किया जाता है। अच्छा,
पैन होता है, इसमें पेंट किया जाता है और ऊपर से जो ये लकड़ी की डल होती है इसको हम डल कहते हैं। डल डल कहते हैं। अच्छा। और इसमें मक डालते हैं। अच्छा। घी डालते हैं, जो कुछ भी पीसना है इसमें डालते हैं। और ये होता है, ये इसको ठोरकली कहते हैं। क्या बोलते हैं? ये ठोरकली होती है, ठोरकली। ये ठोरकली इस पर जब घिसेगी तो ये धुनी, इसको धुनी कहते हैं। इससे माँ के इसके रास्ते आती है इधर, और इधर से ये ठोरकली बजती है तो ये माँ की इधर से इसमें गिर जाती है। अच्छा। और ये चक्की है पत्थर की, इससे जो आटा पीसा जाता है। अच्छा। और ऐसे आटा निकलता है इसके, और ये होता है इससे हम मोटा कर सकते हैं। ये लगाया जाता है, इससे हम इसको मोटा कर सकते हैं और इसे ब्रीक भी कर सकते हैं। इसे नीचे पीछे करके ये मोटा और ब्रीक उधर हो जाता है इसका, अगर आगे करेंगे तो मोटा हो जाता है, मोटा आटा। हाँ, मोटा आटा हो जाता है। और जो इससे होता है ना डाला, होता है डाला, डाला इससे निकलता है। इससे आगे करेंगे तो डाला बन जाएगा, और पीछे करेंगे थोड़ा नीचे तो बिल्कुल आटा पीसे जाता है। ये हमारा काम है जी। दिन रात तो बेसिकली ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे देखो ये एक मैकेनिज्म है, बहुत ही मतलब देखो ये अलग लेवल का मैकेनिज्म है। पिछले जमाने में मशीनें नहीं होती थी भाई, रोटी खानी है उसके आटा भी चाहिए, फुलके बनाने या टुड्डे बनाने, वो भी आपको दिखाऊंगा बाद में। तो उसके मैकेनिज्म के लिए ये बनाया जाता है, ये एक सिंपल सी एक चक्की है, उधर से हमारी मक डाली जाती है और ये डल है। इस डल में जो मक डाली जाती है यहाँ से, और ये इधर से होती हुई इसके बीच में से निकलती है और इसके बीच में जाती है। ये एक तरीका, यहाँ से अगर आपको पतला आटा चाहिए तो आपको इसको हिलाना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, और जब मोटा आटा चाहिए तो भी इसको हिलाना पड़ेगा। तो वो ताऊ को अच्छे तरीके से पता है, वो आपको पिछले थोड़ी देर पहले बताया उन्होंने। और यहाँ से जैसे जैसे मक इसके बीच जा रही है, जैसे आपको दिख रहा है वीडियो में, यहाँ से घूमते घूमते ये आटा निकलेगा और यहाँ पे आटा बन जाएगा। और यहाँ से इतना सही मैकेनिज्म है कि इसमें वो चीज ही नहीं है कि इसमें 24 घंटे चलते, जब तक पानी चल रहा है तब तक ये मशीन चल रही है। और ये देसी तरीके से बनाई है, इतनी खूबसूरत है कि इसको बयान नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये इतनी पुरानी है। पुरानी कब से ये चीज चल रही होगी? ये बहुत पुरानी चीज है, कई सदियों की चल रही है। मगर ये तो मैंने फिर ये मैं खुद बनाई है। अच्छा। ये मैं बाद में बनाई है, दूसरी देख कर मैंने खुद बनाई है, और जो खराब हो जाती है तो इसको मैं खुद बना लेता हूँ। इसका मैं आप ही मैकेनिक करता हूँ। तो ताऊ घर के काम का मैकेनिक भी है, ये इन्होंने खुद बनाया, इतना बड़ा स्ट्रक्चर, इतना बड़ा मैकेनिज्म बनाया हुआ है, यहाँ पे पूरा सिस्टम है। अब तोलने का मैं थोड़ा सा बता दूं आपको कि जब भी यहाँ पे देखो, यहाँ पे पैसे का मूल भाव नहीं किया जाता है। यहाँ पे क्या है, जैसे पुराने जमाने में चीज के बदले चीज दी जाती थी, ये हम पीसते हैं और लोगों से हम इसका क्या लेते हैं, 100 ग्राम, 2 किलो का 100 ग्राम लेते हैं। इसको क्या कहते हैं, हम भाड़ा कहते हैं। अच्छा। वो 100 ग्राम लेते थे, सदियों के चलते 100 ग्राम लेते हैं, आज भी हम 100 ग्राम ही लेते हैं। मिशन में बहुत ज्यादा लेते हैं, मगर हम 100 ग्राम ही लेते हैं। तो महंगाई इतनी ज्यादा हो गई, आपको पता है इस टाइम महंगाई कितनी है, पर ये सदियों से यही चलता आया कि मान लो अगर आपको 10 किलो आटा लेना है तो उसमें क्या आपको 1 किलो, आधा किलो, 10 किलो, आधा किलो, आधा किलो आटा जो है, मतलब आधा किलो उनको कम दिया जाएगा, मतलब कि उसमें से काट लिया जाएगा। एक भाड़े के रूम में जो इतना बड़ा स्ट्रक्चर चला रहे हैं तो उनकी भी मेहनत रोजी बनती है इसमें, तो उसमें से मतलब अगर 20 किलो अगर वो आटा यहाँ से लेके जा रहे तो 1 किलो इनके खाते में जाएगा, क्योंकि वो तो इनका बनता है। तो महंगाई बढ़ती जा रही है, पर यहाँ पे कोई मोल भाव नहीं किया जाता, ना पैसे का मोल भाव किया जाता है, यहाँ से सामान के बदले सामान लिया जाता है। और ये इतना खूबसूरत सा बनाया जाता है। और अब चलते हैं थोड़ी देर बाहर की तरफ, ये यहाँ पे इसमें जो होता है ना, वो मक्की होती है, इससे हमें जो इसका नापा जाता है और इसमें आटा दिया जाता है। ये हमारे देसी ये पत्थर के बट्टे हैं, ये छोटे बड़े हैं, ये 100 ग्राम है, ये 500 ग्राम है, ये 2 किलो है, इससे ये 4 किलो का बट्टा है, इससे में हम आटा देते हैं और इसमें बट्टे डालते हैं। ये हमारा देसी, ये हमने ये डेंडी भी हमने खुद देसी बनाई हुई है, ये देसी काम हम सब करते हैं। ये हमारा है, इसमें हम मक्की डालते हैं, ये मक्की डालने का, और ये जो बाकी शाकी जो रह जाती है इसमें लिख लेते हैं, किसी की कोई भूल चुक हो तो हम उसको वापस दे देते हैं। तो ये हिसाब है, इसको देख के आप थोड़ा आइडिया ला सकते हैं। जो बाजार में तराजू दिखते हैं, ये उन्होंने खुद बनाया हुआ, टीन से बनाया और एक लकड़ी लगाई है, और बट्टे इसमें आपको जैसे उन्होंने दिखाए बट्टे जो है, इसमें कोई निशान नहीं है, ये 2 किलो का है, ये किलो का है, ये
ये 2 किलो का है, ये 500 ग्राम है, ये 100 ग्राम है, ये 100 ग्राम है, ये 500 ग्राम है और ये 2 किलो का है। ये बहुत आपके बटे होते हैं ना लोहे के, उस लोहे के बटू से तोल के बराबर किए गए, कोई अपनी मर्जी से नहीं है। और ये 4 किलो का है, ये 4 किलो का। और जो जुड़ी होती है इससे हम जो आटा इकट्ठा करते हैं, इसे पीछे से फिक्र करते हैं, इकट्ठा हो जाता है ना इधर एक बार, फिर चलता रहता है, ऐसा पीता है ये आटा, ऐसा चलता रहता है आटा, देखिए ऐसे आटा पीती है। इस डिवाइस का नाम है जूड़ी। तो इससे क्या जो साफ सफाई की जाती है, जहाँ से आटा निकाला जाता है, घास होता है, ऐसा ही घास होता है, घिसा कम जाता है और इससे आटा साफ, एक टाइप का घास है। तो इस तरीके से देसी काम किया जाता है यहाँ पे, और इस तरीके से आटा उनको मिलता है। और जहाँ से अगर आपको बाहर की लोकेशन में थोड़ी सी दिखाऊं, तो जो पानी यहाँ से टर्बाइन तो आपको अभी फिलहाल दिखेगी नहीं क्योंकि ये अभी चालू है, पर यहाँ से थोड़ा दिखाने की कोशिश करता हूँ, वो यहाँ पे अंदर की तरफ है, ये लकड़ी का बना हुआ है, इससे ये पानी बचकर इसके ऊपर उस चक्की में कनेक्ट किया गया है, और इससे जो वो आटा पीसा जाता है और पानी इधर से नीचे आ जाता है, क्योंकि पानी नहीं आता है, गीला नहीं होता है। हाँ, तो यहाँ पे जो पीछे है वो टर्बाइन क्रैन मेरे को तो दिख रही थी, पर आपको शायद नहीं दिख रही अंधेरे के कारण। तो इस तरीके से छोटा मोटा तामझाम जो किया गया, मेरे लिए तो भाई सल्यूट है इनको, क्योंकि इस तरीके से मैकेनिज्म समझने के लिए देखो, मैं मुझे नहीं लगता। आप कितने पढ़े हैं? आठवीं जमात में पढ़े हैं। देखो आठवीं जमात में इस टाइम तो मुझे नहीं लगता कोई ऐसा मैकेनिज्म बताया जाता है, जो सुपर टैलेंट है वो बात अलग है, पर ये आठवीं पढ़ने के बाद इन्होंने ये सारा तामझाम समझा पूरा मैकेनिक, और एक मिस्त्री भी अपना घर भी इन्होंने खुद बनाया। तो अभी जब वापस जाएंगे वो भी आपको दिखाऊंगा इनका घर, वो भी इन्होंने खुद बनाया। तो ये यार छोटा सा, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो जरूर से जरूर लाइक और कमेंट करके जरूर लिखना, क्योंकि ये देसी तरीके मैं अपनी डोगरी कल्चर को प्रमोट कर रहा हूँ, डोगरी बोल नहीं रहा हूँ क्योंकि बड़े सारे जो हैं व्यूअर उनको डोगरी समझ नहीं आती, और बीच बीच में डोगरी बोलने का बात भी करता हूँ, और ये भी प्योर डोगरी बोलते हैं, ये बोलेंगे तो और नहीं समझ आएगी। तो इसी वजह से हम थोड़ा हिंदी में प्रमोट करने की, हिंदी में बताने की कोशिश कर रहे हैं। और ये है मेरा गाँव, यहाँ से हम पूरा इतनी दूर नाला है, ग्रांट से इतनी दूर नाला है, इधर बहुत फ्लड आता है, और ये फ्लड कई बार ये फ्लड जो है हमारे ग्रांट तक आ जाता है। अच्छा। और हमें डर लगता है कि कब ये इधर ग्रांट हमारा नाले में रुट जाएगा, बहंग जाएगा, मगर फिर भी हम इधर ही रहते हैं, दिन रात में रात को आते हैं जाते हैं। तो ये कह रहे जब ज्यादा बारिश होती है तो यहाँ से इतना ज्यादा पानी आ जाता है कि डर रहता है कि यहाँ से ऊपर ना आ जाए। और ये इनका एक इकलौता जो है यहाँ पे रोजगार, जो बाकी रोजगार भी है एक उसमें ये भी आता है, ये भी इसी के साथ ना बह जाए क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत लगती है इसको बनाने में, आसानी से नहीं बनता। और यहाँ पे इतना बहुत साफ पानी, इतना साफ पानी है कि आप, मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे अभी तक कहे ना कि पोल्यूशन का नाम की कोई चीज नहीं है, यहाँ पे आपको कोई प्लास्टिक नहीं दिखेगा, तो इतना साफ पानी है यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मैंने ऐसा हर वीडियो में बोलता हूँ कि भाई आप पैसे दे के भी ऐसी हवा नहीं खरीद सकते, एसी में भी ऐसी हवा नहीं आपको मिलेगी जो हवा यहाँ पे है, और यहाँ पे इतनी शुद्ध हवा है कि पूछने की बात नहीं है। तो ये था हमारा क्राट, जिसको मैं टाइटल में आपने देख लिया हुआ, थंबनेल में भी देख लिया हुआ। तो अब मिलते हैं आपको वापस जाते हुए, इतना सा ही रहा इस वीडियो के लिए, तो अब वापस मैं इनको घर दिखाऊंगा अंत में। तो बने रहे वीडियो में, और लाइक और सब्सक्राइब जिसने नहीं किया भाई जरूर जरूर कर दे, सपोर्ट करो, लाइक करो, कमेंट करो, उससे ज़्यादा रीच बढ़ेगी, तो आप उसके बाद ही मिल जाए। You already know, turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this light. तो अभी निकल रहे हैं वहां से, और यहाँ पे एक मैकेनिज्म है कि अगर मान लो कि अब क्राट नहीं चलाना है हमने, तो पानी बंद करना पड़ेगा। पानी बंद करने के लिए क्या तरीका लगाया है वो तो खुद बताएंगे यहाँ पे। ये हमने लकड़ी का जो लगाया हुआ है, एक इस साइड में लगाया है, एक उस साइड में लगाया है, ये लगाया। अगर हमने उधर क्राट को पानी लगाना हो, हाँ, तो नीचे वाली साइड में इसको बंद कर देना है, एक ऐसी फट्टी लगानी, और इधर से पानी उधर जाता है। जब हमने, हाँ, क्राट बंद करना हो, हमारे, हाँ, क्राट में मक्की खत्म हो जाए, घी खत्म हो जाए, तो हमने पानी वो बंद करना है। तो इससे जो मैं इससे पानी जो इधर लगा दूंगा, काट दूंगा, तो हमारा क्राट बंद होगा। तो ये एक से मेन चीज ये चीज है ये, हाँ, कि ये अगर आप उठा के इधर लगा दोगे, ये तो सिंपल सा है, कोई भी समझ लेगा, ये इधर लगा लेंगे तो यहाँ पानी रुक जाएगा, तो पानी इधर से बाहर चला जाएगा और वहाँ पे क्राट में नहीं जाएगा। और अगर क्राट में जाइए तो यहाँ से पानी बंद कर दिया जाएगा, और यहाँ से पानी, अब ये जो जहाँ से पानी आ रहा है, पानी अब देखो
एक पानी को लेकर जाना कोई आसान बात नहीं है, पानी अपना रास्ता खुद बनाता है, तो उसको मोड़ना कोई आसान बात नहीं है। अब उसको किस तरीके से मोड़ा और कहां से मोड़ा हुआ है तो वो अब आपको दिखाएंगे मिनहर। बने रहिए इस वीडियो के साथ। और ये देखिए आप यहाँ पे दूसरी जो जगह लगाई है, क्योंकि नाला हमारे नजदीक है और पानी कई बार ज्यादा हो जाता है, नाले से पानी आता है और सारा नाला इधर चला जाता है। ये हमने इधर से दूसरी बार हमने इधर से जो पानी काटा हुआ है, क्योंकि इधर से फिर थोड़ा कम पानी आगे जाएगा, कई बार इधर से पानी नाले में प्रवेश करेगा। अच्छा। और ये भी ऐसा ही है जैसा हमने उधर से काटा है पानी, सेम टू सेम। बस इसका पर्पज ये है कि जब पानी कभी बारिश ज्यादा हो जाती है तो पानी ज्यादा आ जाता है, तो ज्यादा आने के कारण वहाँ पे इतना पानी नहीं चाहिए होता, तो उसको पानी को यहाँ से बाहर निकाला जाता है। और तो फिर पीछे नाले से मैंने जो पानी लाया, ये दिखाता हूँ। ये नाला इधर आता है और मैंने जो इधर नाले से जो पानी अपने ग्राउंड को थोड़ा सा लगाया है, यहाँ से लगाया है और इधर मैंने इधर ऐसा रखा हुआ है। इधर से फिर कभी बहुत ज्यादा हो जाता है तो काटा जाता है, कई बार सारा पानी ऐसे चला जाए तो हमारा ग्राट खत्म हो जाता है, रुड़ जाता है। और अब तक रुड़ा नहीं है हमारा ग्राट, कई और ग्राट इधर इस नाले से कई ग्राट रुड़ चुके हैं मगर हमारा नहीं रुड़ा हुआ है। जब हमारा घर थोड़ा नजदीक है, जब जोर से बारिश होती है तो मैं जल्दी से आ जाता हूँ और पानी इधर से नाले को ज्यादा काट देता हूँ तो हमारा घर आज बच जाता है, आज तक बच रहा है। और ये हमारा काम है। तो रुड़ने का मतलब मैं बता दूँ, अगर नहीं पता लग रहा तो बहना, मतलब बह जाता है, उसका कोई वजूद नहीं रहता। तो ये यहाँ पे पास में रहते, जैसे आपने देखा कि 2 मिनट का रास्ता है, 3 मिनट का रास्ता नीचे को, तो यहाँ पे जो मेन जो है वो पानी इधर से आ रहा है, बहुत बार पानी आता रहता है, बहुत दूर से संतली से आता है ना, संतली से आता है। और जहाँ पे मैंने आपको वो सेवा सिंह बताया था, तो सेवा सिंह जो पिछली वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहां से आता है ये पानी और यहां से मोड़ा इन्होंने अपने क्राड के लिए, और जब जरूरत नहीं होती है तो यहां से छोड़ दिया जाता है। एक ये क्राड है, एक ऊपर भी है, तो पुराने ऐसे ऐसे इधर नाले के बाहर पार होते हैं ग्राट, कहीं अर्ली साइड में जो होते हैं, कहीं इस साइड में होते हैं, कहीं इस साइड में नाले के इधर उधर होते हैं, जो नाले के पानी से ही चलते हैं। तो इसी नाले के पानी के सहारे ये चलते हैं, अगर ये पानी ना हो तो ये ग्राट बिल्कुल ठप पड़ जाएंगे। तो ये था हमारा क्राड का पूरा ब्यौरा, आपको बता दिया मैंने किस तरीके से चलता है, कहाँ से पानी आता है। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आ रही है, मुझे पता है अगर आप यहाँ तक जुड़े हैं तो आपको वीडियो पसंद आ रही है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक के रखो और आपका भाई आग लगा देगा। अब चलते हैं इनके घर की तरफ वापस।